नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पंजाब हरियाणा दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में किसान जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मेरठ की, मुजफ्फरनगर की, बागपत की, जहां की सड़कों पर इस वक्त किसान उतर चुके हैं और वो उन तमाम किसानों का समर्थन कर रहे हैं जो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो ये समर्थन है उन तमाम किसानों के लिए। इसी वजह से कल जो है पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि सड़कों पर उतरा जाएगा। राकेश टिकैत ने पूरा ऐलान कर दिया था और उन्होंने समर्थन का भी ऐलान कर दिया था कि वो उन तमाम किसानों के साथ हैं जो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई किसान संगठन उतरे हैं सड़कों पर और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर दिल्ली में भी वही हालात है। दिल्ली चाहे हरियाणा के बॉर्डर्स हो, वहाँ पर भी बहुत बुरे हालात हैं और सुबह से ही लगातार कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि किसी तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को रोका जाए। कई सारे संगठन, कई हज़ारों की तादाद में किसान सड़कों पर मौजूद हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो नए कृषि कानून, जो अध्यादेश लेकर आई है सरकार, उनको तुरंत वापस लिया जाए। नहीं लिया जाएगा तो दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा और ये प्रदर्शन और उग्र किया जाएगा। तो कह सकते हैं धीमे धीमे प्रदर्शन की आंच जो है राज दर राज बढ़ती चली जा रही है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।